आखिरकार क्रिकेट के मैदान पर श्रीसंत ने वापसी की और रणजी ट्रॉफी में केरल के लिए खेलते हुए नजर आए। श्रीसंत ने अपने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर किया। वीडियो में श्रीसंत विकेट लेते नजर आए। इस खास वीडियो को शेयर कर तेज गेंदबाज ने कैप्शन में लिखा है, अब 9 साल के लंबे समय के बाद ये मेरा पहला विकेट है। भगवान की कृपा से मैं बहुत खुश था और विकेट लेने के बाद पिच को प्रणाम कर रहा था। दरअसल श्रीसंत ने मेघालय के खिलाफ मुकाबले में 9 साल के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में विकेट लेने में वो सफल रहे। मेघालय के खिलाफ मैच में श्रीसंत बल्लेबाज आर्यन बोरा को अपनी बेहतरीन बाउंसर पर चकमा देकर आउट करने में सफल रहे थे। इस मैच में श्रीसंत ने 12 ओवर्स में 40 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। वैसे दूसरी पारी में वो विकेट नहीं ले पाए। श्रीसंत की गेंदबाजी को देखकर फैंस भी इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। आपको बता दें 2013 में इस गेंदबाज को आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग करने के कारण बैन कर दिया गया था। बाद में 2020 में उन पर से बैन हटाया गया। इसी साल उन्होंने क्रिकेट में वापसी भी की थी। हालांकि आईपीएल ऑक्शन में भी उन्होंने अपना नाम दिया था, लेकिन किसी भी फ्रेंचाइजी ने उन्हें नहीं खरीदा। लेकिन अब रणजी ट्रॉफी में गेंदबाजी से श्रीसंत ने दिखा दिया है कि उनके अंदर अभी भी काफ़ी क्रिकेट शेष है। आपको बता दें श्रीसंत गुजरात के खिलाफ एलीट ग्रुप ए में केरल के लिए दूसरे गेम का हिस्सा नहीं थे और ये देखा जाना बाकी है कि क्या उन्हें मध्य प्रदेश के खिलाफ प्लेइंग 11 में जगह मिल पाती है या फिर नहीं। अब तक केरल में उन्होंने अपने दोनों मैच जीते हैं और उसके ग्रुप में शीर्ष पर रहने की संभावना है। एस श्रीसंत के रणजी ट्रॉफी में विकेट लेने पर उनकी बीवी भुवनेश्वरी ने भी रिएक्ट किया है। भुवनेश्वरी ने ट्वीट करते हुए लिखा, हार मानने से इनकार करने वाले की जीत हमेशा संभव है। आपकी दृढ़ता अतुलनीय है। आपके पहले विकेट के बाद झुकना आपके खेल के प्रति समर्पण, जुनून और प्यार को दर्शाता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए माय स्पोर्ट्स टाइम के साथ।